गल्लू भाई ये टेबल वेबल साफ कर भाई, और ढाबे के ध्यान देना, मैं आ रहा हूँ मार्केट से। ठीक है छोटा सेठ। अरे बेटा सुन, अरे मार्केट जा रहा है तो मेरी दवा लेके आना, मेरे घुटने में बहुत दर्द है। अरे पापा मैंने तुम्हें कितनी बार बोला बाहर जाते वक्त मुझे टोका मत करो। अरे बेटा मैंने तेरे को इसलिए बोला कि दो दिन हो गए मेरी दवाई खत्म, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही, मेरे घुटने में इतना दर्द है। अरे तो ये बात तुम कल्लू को ही बोल सकते थे, मुझे टोकना जरूरी है क्या? ये भूल गए जो चुकते थे उनका धोखे। ले भाई ये खीरे लेके आ गया मैंने। क्या बड़े सेठ कुछ भी गिराते रहते हो, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, कब अकल आएगी तुम्हारे को? ओए कल्लू कैसी बात कर रहे हो मेरे पापा से? क्यों सेठ मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे तो तू ये बात उनको कैसे बोल सकता था, पापा है वो मेरे। अच्छा पापा है वो तुम्हारे, मैंने दो बात बोल दिया तो तुमको बुरा लग गया, और तुम जब मार्केट जा रहे थे तुमने उनके ऊपर गुस्सा किया, इसका क्या? अरे पापा मैंने तुम्हें कितनी बार बोला बाहर जाते वक्त मुझे टोका मत करो। सेठ पहले अपने बाप की इज्जत करना सीखो, फिर दूसरों को नसीहत करना। आयर गल्लू भाई बात पे तूने सही कहा, मैं बेटा होकर नहीं समझ पाया, नौकर होकर समझ गया। सेठ मुझे माफ करना, मैं तो तुम्हें समझाना चाहता था, औलाद को माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। दोस्तों अपने माँ बाप की इज्जत क्या करो, जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो माँ बाप ना होने का एहसास क्या होता है, और ये वीडियो उनको सेंड करो जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते।